भंड कुमार, मैं तुम्हें मात्र शारीरिक शक्ति और धैर्य शक्ति प्रदान करूंगा, जिससे तुम अपना तप आरंभ कर सकोगे। किंतु श्रद्धा शक्ति और आत्म शक्ति तुम्हें स्वयं जागृत करनी होगी, क्योंकि वो शक्तियाँ व्यक्ति को स्वयं अपने भीतर से उत्पन्न करनी होती हैं। अपने सहयोग मित्र के प्रति आपकी ही सुधारता के लिए मैं सदा आपका भारी रहूंगा मित्र। बस आप मुझे मुख्य शक्तियाँ ही दे दीजिए, अन्य शक्तियाँ वो तो मैं स्वयं ही प्राप्त कर लूंगा, इतना तो चलता है। तो अब तुम अपनी रीढ़ को सीधा रख ध्यान मुद्रा में स्थित हो जाओ। यहाँ स्थित होकर स्वयं को कष्ट देने से मेरा तप अवश्य शीघ्र संपन्न होगा। भंड कुमार रुक जाओ, पुनः भूल कर रहे हो तुम। स्वयं को कष्ट देने से नहीं, अभी तो स्वयं को श्रद्धा और भक्ति में लीन करने से प्रभु के दर्शन का सुख प्राप्त होता है। तुम यहाँ इस शिला पर स्थित होकर भी अपना तप कर सकते हो। हाँ। अब उस मंत्र का उच्चारण आरंभ करो जिसकी संसार में सर्वोच्च मान्यता है, अर्थात प्रभु महादेव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। यही मंत्र भक्त का प्रभु से सीधा संपर्क स्थापित करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या मेरा इसे शक्तियाँ प्रदान करना उचित होगा? कहीं ये उनका प्रयोग अपनी दुष्टता के लिए तो नहीं करेगा? माँ तो सदैव कहती है, कोई कितना भी दुष्ट पापी क्यों ना हो, उसे तब तक सुधरने का अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए जब तक उसके पापों की गागर ना भर जाए। इसे पाप कर्म करने से रोकने में सहायता करना ही तो मेरा धर्म है। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस तपस्या का उद्देश्य अपने मन में सदा स्थिर रखना भंड कुमार। स्मरण रखना कि तुम ये तपस्या अपने भीतर की दुष्टता का अंत कर अच्छाई की लौ जागृत करने के लिए कर रहे हो। मेरी तो यही आशा है कि मैंने जो किया वो सर्वथा उचित हो। गणेश जी ने कहा था अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहना, किंतु मैं तो अपने उद्देश्य के प्रति आरंभ से ही दृढ़ हूँ। असीम अपराजेय शक्ति की प्राप्ति ही है मेरा एकमात्र उद्देश्य। अब उसके लिए कठोर तपस्या भी करनी होगी तो वो भी करूँगा मैं, इतना तो चलता है। मेरे अत्यंत शक्तिशाली महासुर बनने की हमारी योजना के अगले चरण में पहुंच गए हैं हम। ऐसे दुष्ट असुर से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? प्रथम पूज्य गणेश ने जो अच्छाई का मार्ग से दिखाया है उसके विपरीत ही चलेगा ये दुष्ट आत्मा भंड कुमार, और गणेश को इसका आभास तक नहीं होगा। अभी भी इतना अशांत है मेरा मन। जिन प्रश्नों के साथ यहाँ से गया था
अब उनसे भी अधिक प्रश्नों के साथ लौटा हूँ। और अब तो एक और चिंता जुड़ गई है उनमें कि भंड कुमार को जीवन देकर मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई। माँ पिताश्री, देखिए गणेश तो यही है जिसे बुलाने आप सभी मुझे भेज रहे थे, वो तो स्वयं यही आ गया है। वैसे भी भोजन से अधिक समय तक दूर कैसे रह सकता है मेरा अनुज। पुत्र गणेश, कहाँ रह गए थे आप भोजन के लिए? सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिय गणेश, प्रथम पूज्य होने के नाते भोजन आरंभ करने का प्रथम अधिकार आप ही का है। आइए, कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। पुत्र गणेश, अपनी नानी माँ के यहाँ आए हैं आप, इसलिए मन भरकर भोजन कीजिएगा। क्या हुआ पुत्र गणेश, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं? तुम्हें तो भोजन अत्यंत प्रिय है और यहाँ तो इतने स्वादिष्ट पकवान भी हैं, पर तुम खाने में संकोच क्यों कर रहे हो पुत्र? पुत्र गणेश, आज प्रथम बार तुम्हारे भोजन में अरुचि का क्या कारण है? क्या कोई चिंता सता रही है तुम्हें? एक नहीं पिताश्री, अनेकों चिंताओं ने घेर रखा है मुझे और वो कम नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती ही जा रही है। रुको पुत्र, भोजन के समय सभी चिंताओं को मन से दूर कर शांत मन से भोजन करना चाहिए। तुम भी ऐसा ही करो पुत्र, फिर तुम्हें अपनी चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्राप्त होगा। उचित है पिताश्री। नहीं नहीं नानी माँ, बस और नहीं। पिताश्री, मैं तो अपना भोजन समाप्त कर चुका, तो अब मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? थोड़ा धीरज रखो पुत्र, अभी अन्य सभी ने अपना भोजन समाप्त कहाँ किया है? आज सभी को इतना समय क्यों लग रहा है भोजन करने में? सभी शीघ्रता से भोजन करेंगे तभी तो मैं पिताश्री से बात कर सकूंगा। कितनी अधीरता से हमारे भोजन समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है गणेश। नानी माँ, मैं सोच रहा था कि हमें आपके यहाँ आने का अवसर बार बार कहाँ प्राप्त होता है, इसलिए आपके हाथों से बने ये स्वादिष्ट लड्डू तो मैं और खाना चाहूंगा। तो और लड्डू दीजिए ना नानी माँ, अब समय लगे तो लगे किंतु भोजन तो मन भर कर ही करना चाहिए ना, क्यों गणेश? मन भर कर भोजन तो मैं भी करना चाहता था, किंतु आज भूख से अधिक अपनी बुद्धि को शांत करना है मुझे। ये लो पुत्र। धन्यवाद नानी माँ। वैसे भी भोजन का स्वाद तो तभी आता है जब उसका आनंद ले लेकर उसे धीरे धीरे खाया जाए। भैया को आज ही इतनी भूख लगनी थी, कितना अधिक समय ले रहे हैं वो भोजन करने में। नानी माँ, एक कार्य कीजिए ना, ये सारे लड्डू मुझे ही दे दीजिए। हाँ, अरे नहीं नहीं नानी माँ, मुझे और लड्डू नहीं चाहिए, मैं तो बस गणेश का परिहास कर रहा था, किंतु अब उसकी ये चिंता मुझसे और अधिक नहीं देखी जा रही है। अब तुम्हें और अधिक प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुज, माँ और पिताश्री भी भोजन संपन्न कर चुके हैं, इसीलिए अब तुम उनसे बात कर सकते हो।
अंततः अब मैं अपने सभी उत्तर प्राप्त कर सकूंगा। पिताश्री, माँ, जब से यहाँ हमारा आगमन हुआ है मेरे साथ कुछ विचित्र ही घट रहा है। कभी कोई दृश्य दिखाई देते हैं, तो कभी ऐसी कोई घटना हो जाती है, और सबसे बड़ी व्यथा तो ये है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी के पास समय ही नहीं था। हमें क्षमा कर दो पुत्र, हमें तुम्हारी पीड़ा समझने में समय लगा। पुत्र संतान विचलित हो तो माता पिता कैसे शांत रह सकते हैं? इसलिए तुम निसंकोच होकर हमसे पूछो जो तुम पूछना चाहते हो। हम तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं पुत्र। उचित है माँ, मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आते समय मैंने 3 विचित्र दृश्य देखे, और मैंने आप दोनों और कुबेर जी को उन असुरों के साथ देखा। फिर अशांत मन से मैं एक गुफा के निकट पहुंच गया, जहां मैंने किसी की भस्म को आकार देने की प्रार्थना करते देखा, और फिर मैंने मित्र रूप में उसे पाने के लिए उसे प्राण देकर सजीव कर दिया, और दिव्य स्वर से प्रेरित होकर भंड 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 उसका नाम भंड कुमार रख दिया। तो अब वो कहाँ है पुत्र? माँ, उसकी रचना करने के बाद मैंने उसे अच्छाई की सीख देने का प्रयास किया, किंतु वो मेरी सभी सीखों के विरुद्ध ही आचरण करता रहा। परंतु अंततः इसके पश्चात उसके भीतर सुधार लाने के उद्देश्य से मैं उसे किसी प्रकार पिताश्री के तप का महत्व समझाकर उसे एक चोटी पर स्थित कराने में सफल रहा, जहाँ अब वो पिताश्री के नाम का घोर तप कर रहा है। पिताश्री, माँ, आप दोनों ये सुनकर ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए? आप दोनों को तो इस प्रकार चिंतित कभी नहीं देखा मैंने। कहीं मुझसे कोई बड़ी भूल तो नहीं हो गई? पिताश्री, माँ, मुझे बताइए ना, क्या कारण है आपके इस प्रकार शांत रहने का? पुत्र गणेश, तुमने भंड कुमार नहीं दुष्टता के ऐसे पर्याय का सृजन किया है जो अपार शक्ति अर्जित कर कपट, कुटिलता, अधर्म और पाप का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि उसके आतंक और अत्याचार से समस्त ब्रह्मांड त्रहिमाम त्रहिमाम कर उठेगा। तुमने उस भयानक असुर को रचा है जिसे जगत भंडासुर के नाम से जानेगा। भंडासुर के नाम से, भंडासुर के नाम से, भंडासुर के नाम से। भंडासुर, हाँ भंडासुर हूँ मैं, अपने इसी नाम से विख्यात हूँ मैं। पर दुर्भाग्यवश ये भंडासुर इस ब्रह्मांड पर ही नहीं अपितु समस्त कई ब्रह्मांडों पर एक छत्र सत्ता स्थापित करेगा। ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया पिताश्री? तो क्या कोई उपाय है इस भंडासुर को रोकने का? और ये कौन से कई ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं आप पिताश्री, जिसके विषय में आपने अभी अभी बताया? पुत्र, हम भी तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण रूप से शांत करने में असमर्थ, क्योंकि इस रहस्य का पूर्ण ज्ञान तो हमें भी नहीं है पुत्र। जगत पिता और जगत माता से भी जो रहस्य छिपा है, उसका भेद फिर भला किसे ज्ञात हो सकता है? कौन है जो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर प्रदान कर सकता है? कौन है वो? प्रभु है ग्रीव, प्रभु है ग्रीव, प्रभु है ग्रीव। प्रभु है ग्रीव, ये कौन है पिताश्री? प्रभु नारायण के अवतार, प्रभु है ग्रीव ही तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्रदान कर सकते हैं। पिताश्री, मुझे प्रभु है ग्रीव के विषय में विस्तार से बताइए ना, जिससे मैं उनके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। उचित है पुत्र, तो मैं तुम्हें उनकी कथा सुनाता हूँ, जिसका आरंभ वैकुंठ में अचानक घटी एक घटना के कारण हुआ था। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते
मुझे आशा है कि स्वामी को मेरे अद्भुत आभूषण और श्रृंगार अवश्य भाएंगे। किंतु मैं ये विचार क्यों कर रही हूँ? स्वामी तो सदा मेरे सौंदर्य की प्रशंसा ही करते हैं। अद्भुत सर्वथा अद्भुत है आपका सौंदर्य। आपने अपने इस अद्भुत सौंदर्य से सौंदर्यता का एक नवीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरी तो मात्र यही इच्छा है कि मैं जब भी अपने नेत्र खोलूं आपके सौंदर्य के दर्शन प्राप्त कर सकूं। प्रभु तो अपने नेत्र मूंदे अपने शया पे ही स्थित हैं। प्रभु ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जैसे उनके अनुसार मेरे श्रृंगार में कोई त्रुटि रह गई हो। किंतु प्रभु तो मेरी ओर देख भी नहीं रहे। नहीं, कोई त्रुटि नहीं है मेरे श्रृंगार में। तो फिर प्रभु मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे? इसलिए मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मेरा तिरस्कार कर रहे हैं स्वामी, अथवा मुस्कुराकर मेरा उपहास कर रहे हैं। मैंने आपके लिए नवीन श्रृंगार धारण किया और आपने मेरी ओर देखा तक नहीं, और अब इस प्रकार मुस्कुराकर आप मेरा उपहास कर रहे हैं स्वामी। उचित है तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से विलग हो जाए। मैं आपका उपहास कैसे कर सकता हूँ देवी? मैं तो अपने ही ध्यान में मग्न था। तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से विलग हो जाए। ये क्या कह दिया मैंने? स्वामी को इतना निष्कारी श्राप दे दिया? ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या हो गया? किंतु पिताश्री, मामी जी देवी लक्ष्मी, मामा जी श्री हरि नारायण को इतना कठोर शाप कैसे दे सकती है? इसका नियंत्रण तो उनके हाथों में, जो इस संसार की सर्वोच्च शक्ति है। तब इसका आभास देवी लक्ष्मी को नहीं था, किंतु प्रभु श्री हरि नारायण को इस सत्य का आभास हो रहा था। स्वयं को संभालिए दी। कभी कभी कुछ हमसे ऐसा हो जाता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता, तो उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी बड़े प्रयोजन हेतु वो स्वयं उन्हीं की इच्छा होती है, जो संसार सर्वोच्च शक्ति माताओं की माता पराशक्ति। अरुणाम करुणाम तरंगिणीं ताक्षीं कृतपाशां कुशपुष्पबाणचापां अणिमादिभिः रावितां मयूखैः रहमित्येव विभावये भवानी। देवी लक्ष्मी,
आप चिंता त्याग दीजिए, क्योंकि इस संसार की समस्त घटनाएं मेरी इच्छा के अनुसार ही होगी। आज आपने जो भी कहा वो भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ, और आज की ये घटना इसीलिए अनिवार्य थी क्योंकि इस घटना के ही आधार पर संसार का भविष्य निर्धारित हो। देवी लक्ष्मी, आप चिंता त्याग दीजिए, क्योंकि इस संसार की समस्त घटनाएं मेरी इच्छा के अनुसार ही होती है। आज आपने जो भी कहा वो भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ, और आज की ये घटना इसीलिए अनिवार्य थी क्योंकि इस घटना के ही आधार पर संसार का भविष्य निर्धारित होने होगा। भविष्य में ऐसा क्या होने वाला था माँ? हैग्रीव नामक दैत्य का जन्म, हैग्रीव नामक दैत्य का जन्म। मंत्र के उच्चारण के साथ किसकी तपस्या कर रहा था वो दैत्य हैग्रीव? पुत्र, ये तो स्वयं माता पराशक्ति का ही बीज मंत्र है। माता पराशक्ति? हाँ पुत्र, अनेकों वर्षों के कठोर तप के उपरांत वो दैत्य हैग्रीव माता पराशक्ति को प्रसन्न करने में सफल हुए, और अन्य असुरों के समान उसकी भी एक ही इच्छा थी। ॐ ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं, ॐ ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं, ॐ ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। वत्स हैग्रीव, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। प्रणाम माता। कहो क्या इच्छा है तुम्हारी, मुझसे क्या वरदान चाहते हो तुम? अमृत वो माता, अमृत वो चाहता हूँ मैं, अमृत वो चाहता हूँ मैं, अमृत वो चाहता हूँ मैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है, यही संसार का चक्र है जिसे भंग नहीं किया जा सकता।
इसीलिए तुम मुझसे कोई अन्य वरदान मांग लो। तब हे माताओं की माता पराशक्ति, अपने इस भक्त को वरदान देने की कृपा कीजिए कि इस हैग्रीव का वध हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। तथास्त, तथास्त। जो चाहा वो पाया मैंने। अनूठा हूँ मैं जगत में, एकमात्र मैं ही हूँ जिसका शेष अश्व का है और तन मनुष्य का, अर्थात कोई नहीं है मेरे जैसा, कोई अन्य है ग्रीव नहीं है समस्त संसार में, तो मेरा वध असंभव है, अमर हो गया मैं, अब मैं अजय हूँ, समस्त संसार पर राज करूँगा मैं और मुझे कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता, कोई नहीं। किंतु प्रभु हैग्रीव के पूर्व दैत्य हैग्रीव उत्पन्न हुआ था, जो माता पराशक्ति का वरदान पाकर तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था, किंतु उसे तो अभी भी संतोष नहीं था, उसे और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा थी। तो फिर संसार से उसने उन्हें छीन लिया जिनके लुप्त होने का अर्थ है अज्ञानता के अंधकार का विस्तार। ये भयंकर स्वर, ये स्वर तो उस दुष्ट असुर हैग्रीव का है जिसने अपने आतंक से तीनों लोगों को आतंकित कर रखा है। अवश्य ये किसी बुरे आशय से यहां आ रहा है। नहीं ब्रह्मदेव, नहीं, रुकिए, मत कीजिए व्यर्थ प्रयास। त्रिलोक विजेता हूँ मैं, मेरी बुद्धि का, युक्ति का कुछ तो सम्मान कीजिए और इस बात को समझिए कि आपके कमंडल के जल की शक्ति मेरे वरदान के बल से कहीं कम है, किंतु फिर भी आप चाहते हैं तो लीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ, प्रयोग कर लीजिए अपने इस जल का मुझ पर। हैग्रीव, तीनों लोकों पर तो तुमने विजय प्राप्त कर ही ली है, फिर यहाँ ब्रह्मलोक में क्या करने आए हो? क्या करूँ, मैं लाचार हूँ, अपने विचार से जो चाहता हूँ पाता हूँ मैं, और ये त्रिलोक विजेता भला क्या कहेगा कि निर्विरोध अनंत काल तक निरंतर स्थापित रहे मेरा शासन इस सृष्टि पर। मेरी रुचि ब्रह्मलोक में नहीं, उसमें है जो यहाँ स्थित है और जिसे प्राप्त करने से मेरी अनंत काल तक राज करने की इच्छा पूर्ण अवश्य होगी। अर्थात ये यहाँ से वेद प्राप्त करने आया है? उचित समझा अपने देवी सरस्वती, सर्वथा उचित समझा, यहाँ से वेद ही चाहिए मुझे। क्या किया ये? अनर्थ।
घोर अनर्थ कर दिया तुमने। वेद जो समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, जो स्वयं माता पराशक्ति से मुझे सृष्टि के सृजन हेतु प्राप्त हुए थे, उन्हें तुमने छीन लिया, अपने में समाहित कर लिया। हैग्रीव, वेद मुझे वापस लौटा दो, उन्हें अपने साथ ले जाने का विचार त्याग दो। हैग्रीव, ब्रह्मदेव मैंने कहा ना, मैं लाचार हूँ अपने विचार से, किंतु आप चिंता मत कीजिए, आपसे भी कहीं अधिक माता के ये बहुमूल्य उपहार मेरे पास सुरक्षित रहेंगे, मुझसे कोई नहीं हर सकेगा वेद को। दैत्य हैग्रीव ने वेदों को ही अपना बंधक बना लिया, तब तो संसार ज्ञान रहित हो गया होगा, यज्ञ आदि थम गए होंगे। ऋषि मुनि जो ज्ञान सरिता में डूबे रहने के अभ्यस्त होते हैं, वो अज्ञानता के अंधकार से घिर गए होंगे। हाँ पुत्र, यही तो आशय था दैत्य हैग्रीव का। एक प्रकार से वेद पर अधिकार कर उसने अज्ञानता और अधर्म का ऐसा विस्तार सुनिश्चित किया कि सृष्टि उसके प्रभाव से मुक्त ही ना हो सके। और तब ब्रह्मदेव और देवताओं के पास एक ही विकल्प था, सृष्टि के पालन करता श्री हरि नारायण। उचित तो मैं स्वयं जाऊंगा, उस दुष्ट हैग्रीव से वेदों को मुक्त करवा कर लाऊंगा। सत्य हुआ मेरा विचार, ज्ञान रहित सृष्टि में अधर्म और अज्ञानता के अंधकार का विस्तार होगा। अब तो महानतम दिव्य देवता भी मुझसे संघर्ष करने आ जाएं, तो वो भी मुझे अपने इस सिंहासन से नहीं डिगा सकेंगे। किसी भावी अनुचित घटना का आभास क्यों हो रहा है मुझे? हैग्रीव ने अपने वरदान का उल्लेख किया था, बस एकमात्र यही चिंता है मुझे, कहीं वो अपने वरदान के कारण नारायण से भी सुरक्षित रहा तो फिर हम निरुपाय हो जाएंगे। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ ना सका, वो शीश अपने तन से विलग हो जाए। आज आपने जो भी कहा वो भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ। किसी बड़े अनिष्ट की आहट सुनी हो मैंने, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? ऐसा क्या छिपा है भविष्य के गर्भ में? किसका भीषण स्वर है ये? ओहो, नारायण तो ये आ रहे हैं। उचित है, आने दो इन्हें भी, इनकी पराजय से एक और लोग मेरे अधीन हो जाएगा एवं और बढ़ेगी मेरे सिंहासन की प्रतिष्ठा। नारायण, ब्रह्मदेव एवं अन्य देवतागण कुछ नहीं कर सके तो उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया, किंतु कदाचित आपको ज्ञात नहीं, समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो मेरा वध कर सके।
अनंत काल तक राज करूंगा मैं इस सृष्टि पर और कोई भी मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। हैग्रीव, भ्रम है तुम्हारा। जिसका भी आरंभ हुआ है उसका अंत निश्चित, और तुम्हारे जैसे दुष्ट तो अपने अंत को स्वयं आमंत्रित करते। अच्छा नारायण, तो मैंने स्वयं आमंत्रित किया है अपने अंत को, किंतु मेरा अंत तो असंभव है, फिर उसे कैसे संभव करेंगे आप? जब भी किसी को अपनी शक्तियों पर अनुचित अहंकार हुआ है तब तब उसका विनाश निश्चित हुआ है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न रहा। यदि तुम स्वयं को सुरक्षित करना चाहते हो तो मुझे वो वेद लौटा दो जिनका हरण तुमने किया है, अन्यथा तुम्हारा अंत तुम्हारे समक्ष। अपनी कल्पना की उड़ान मत भरिए नारायण, और ये बताइए कि वेदों को मुझसे छीनेंगे कैसे, क्योंकि उसे तो वही प्राप्त कर सकता है जो मेरे शीश को मेरे तन से विलग करने की क्षमता रखता हो। और ये मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप में वो क्षमता कदापि नहीं है। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो उसमें सेवक का हस्तक्षेप कदापि उचित नहीं है। अस्त्र को नष्ट किया तो क्या किया नारायण, मुझसे श्रेष्ठ नहीं है आप, क्योंकि ये तो युद्ध का आरंभ ही है। उचित है नारायण, यदि आप युद्ध ही चाहते हैं तो युद्ध ही होगा हमारे मध्य। कितना भीषण युद्ध है ये, किंतु नारायण के प्रहारों का सामना करने में कैसे सक्षम हो रहा है ये? कब अंत होगा इस दुष्ट हैग्रीव के साथ इस भयंकर युद्ध का, और कब मुक्त होगी ये सृष्टि इस दुष्ट के आतंक से? वर्ष बीत गए इस युद्ध को, किंतु ये दुष्ट हैग्रीव अभी भी नारायण के समक्ष टिका हुआ। अथक प्रयासरत रहा मैं इस दुष्ट के वध के लिए, किंतु ये तो अब स्थित कोई लाभ नहीं रहा इस युद्ध का, और अब तो मैं भी अत्यधिक कलांत हो चुका हूँ। हाँ।
इतनी लंबी अवधि तक चला ये युद्ध अब तक परिणाम ही नहीं रहा। आशंका से घिरी हुई हूँ, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश तन से विलग हो जाए। स्वामी को अपने श्राप से श्रापित किया था मैंने, कहीं ये वही क्षण तो नहीं? नहीं, ऐसा न नहीं हो सकता। कलांत होने के कारण स्वामी का लक्ष्य भी चूक रहा है। कहीं वो दुष्ट हैग्रीव ने स्वामी की इस दशा का लाभ उठा लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यहाँ तो श्रीहरि नारायण और वासुर हैग्रीव दोनों ही युद्ध करते करते क्लांत हो चुके हैं। स्वामी इस प्रकार कलांत कैसे हो सकते हैं? आज से पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ, ये कहीं किसी अनिष्ट का संकेत तो नहीं? बहुत थकान हो रही है मुझे, अब तो इन पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाना भी कठिन हो गया है, किंतु वार तो करना ही होगा। इस युद्ध को आरंभ हुए तो 60 वर्ष बीत चुके हैं, कब होगा इस युद्ध का अंत? हे माताओं की माता, माता पराशक्ति, अपने इस भक्त को वरदान देने की कृपा कीजिए कि इस हैग्रीव का वध हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। तथास्तु। कदाचित दैत्य हैग्रीव को प्राप्त वरदान के कारण ही वो अभी तक सुरक्षित है। रुकिए नारायण, थक गए हैं आप, कदाचित आपको युद्ध विराम और कुछ विश्राम की आवश्यकता है, तो जाइए, आपको विश्राम करने का समय दिया मैंने। जब आप पुनः युद्ध के लिए तैयार हो तो सूचित कर दीजिएगा मुझे, इसी बहाने मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। स्वयं प्रभु श्रीहरि नारायण इस दुष्ट से युद्ध करते करते थक गए, किंतु आश्चर्य है प्रभु स्वयं इसे पराजित करने में असमर्थ हैं। फिर कौन करेगा इसका वध और कैसे होगी सृष्टि की रक्षा? समस्त सृष्टि की सर्वोच्च माता, माता पराशक्ति ही करेगी हमारी समस्या का निवारण। सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य देवकार्य समुद्धता नकदीधति संचिन्न नगच्छन तमोगुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा। श्राप देती कि आपका शीश जो मेरी ओर
देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से विलग हो जाए। आज आपने जो भी कहा वो भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ, और आज की ये घटना इसीलिए अनिवार्य थी क्योंकि इसी घटना से संसार का भविष्य निर्धारित होगा। स्वामी की ये ऐसी दशा मुझसे देखी नहीं जा रही, ये बार बार किस प्रकार की अनहोनी का आभास हो रहा है मुझे। के पीछे एक बड़ा कारण अवश्य होता है जिसका रहस्य समय आने पर ही उजागर होता है। इसीलिए आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी लक्ष्मी, क्योंकि आज के दिवस के लिए ही आपके मुख पर वो श्राप प्रकट हुआ था। और जैसे मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था, संसार की प्रत्येक घटना के पीछे मेरी ही लीला होती है। जो हुआ, जो हो रहा है और जो भविष्य में होगा, वो सब मेरी इच्छा के ही अनुसार होता है। और आज की इस घटना का कारण है कि हैग्रीव का वध मात्र हैग्रीव के हाथों ही हो सकता है, और इसी कारणवश नारायण का शीश उनके धड़ से विलग हुआ है। ब्रह्मदेव, अब इसके आगे का कार्य आपको करना है। यहाँ से उत्तर दिशा में एक नील वर्ण का अश्व दिखाई देगा जो अब अस्वस्थ होने के कारण मरणासन अवस्था में है। उसका शीश लाकर आपको नारायण के धड़ से उसका जुड़ाव करना होगा, तभी दैत्य हैग्रीव का वध करने के लिए दिव्य हैग्रीव उत्पन्न होगा। और जब वो अपने सिंहासन पर स्थित होकर दैत्य हैग्रीव गहरी निद्रा में लीन होकर विश्राम कर रहा था, तब माता पराशक्ति की आज्ञा अनुसार ब्रह्मदेव नील अश्व के शीश के साथ वहां लौट आए और शेष कार्य अश्विनी कुमार और धनवंतरी ने संपन्न किया। Oh, she's a good girl. Oh, she's a good girl. Oh, she's a good girl.
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतं आधारं सर्वविद्यानां भयग्रीवं उपास्महे माता पराशक्ति प्रभु हैग्रीव की जय प्रभु हैग्रीव की जय प्रभु हैग्रीव की जय प्रभु हैग्रीव की जय हैग्रीव की जय प्रभु हैग्रीव की जय प्रभु हैग्रीव की जय प्रभु हैग्रीव की प्रभु हैग्रीव अर्थात मेरी जय जयकार कदाचित नारायण ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली और देवता भी हो गए लाचार क्या है वहाँ जिसका इतना भीषण स्वर है वो मेरी जय जयकार नहीं इनकी थी ये है प्रभु हैग्रीव नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते नहीं नहीं ये संभव नहीं है ये छल है कैसे अपनी रक्षा करूं? अपने इस भक्त को वरदान देने की कृपा कीजिए कि इस हैग्रीव का वध हैग्रीव के हाथों ही संभव हो किंतु अभी वेद तो मेरे भीतर ही समाहित है तो फिर इतनी चिंता क्यों कर रहा हूं मैं सुरक्षित रहूंगा मैं कोई वध नहीं कर सकता मेरा ये कैसा परिहास है आपका नारायण आपको क्या लगा आप हैग्रीव का वध करने हेतु हैग्रीव का रूप धारण कर युद्ध करेंगे तो इसमें सफल हो जाएंगे नहीं कदापि नहीं कदाचित भूल रहे हैं आप कि अपने वरदान के साथ वेदों की शक्ति भी प्राप्त है मुझे वेदों की शक्तियाँ तो उन्हीं का साथ देती है जो धर्म कार्य में उसका प्रयोग करते हैं तुम्हारे समान अधर्मी दैत्य वेदों को अपने भीतर अवश्य समाहित कर सकते हैं किंतु उनकी शक्ति
खून के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। को खंडित कर दिया इनके चक्र ने और अब तो ये मेरी ही ओर बढ़ रहा है। अभी भी प्रभु श्रीहरि नारायण के चक्र प्रहार से स्वयं को सुरक्षित कैसे कर रखा है इस दुष्ट ने? अब इस दुष्ट की अंत का समय आ गया है। शक्ति से संपन्न हूं मैं, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। अभी भी अपने उसी भ्रम से भ्रमित हो मूर्ख। सुनो, जिस प्रकार अपवित्र जल से भरा कमंडल वर्षा के पवित्र जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर पाता, उसी प्रकार तुम्हारा पवित्र मन न वेद की पवित्रता को प्राप्त कर सका, न ही उसकी शक्तियों को। और अब तुम्हारा अंत निश्चित। नारायण ने प्रभु हैग्रीव अवतार लेकर अज्ञानता रूपी दैत्य हैग्रीव से वेदों को मुक्त कराया और ज्ञान रूपी प्रकाश को सृष्टि पर लौटाया। इसीलिए आज से संसार उनकी पूजा बुद्धि और ज्ञान के भगवान के रूप में भी करेगा। सुरमंडनमंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। प्रभु हैग्रीव की जय। प्रभु हैग्रीव की जय।
आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे। स्फटिकाकृतम् आधारम सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। अर्थात हम उन सर्वोच्च दिव ज्ञान और पूर्ण आनंद स्वरूप प्रभु हयग्रीव ध्यान और आराधना करते हैं, जिनका मुख और कंठ अश्व का है और जो एक निर्मल स्फटिक के समान तेजोमय और जो ज्ञान की सभी विधाओं के स्वामी। प्रभु हयग्रीव समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, तो मैं उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर भी बड़ी सहजता से अवश्य ज्ञात कर लूंगा। बुराई की अवधि लंबी अवश्य हो सकती है, किंतु एक निश्चित समय आने पर बुराई पर अच्छाई की जीत होकर ही रहती है।